सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। Hi everyone, namaste and welcome back to my channel. First of all, a big thank you, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि वो जाने अनजाने में कितने लोग हमारे साथ जोड़ देते हैं और हमें कितना स्ट्रांग बना देते हैं, तो उन्हें भी थैंक यू। आज मैं आपको अपने हॉस्टल का रूम टूर कराने वाली हूँ और ये एक बहुत ही ऑनेस्ट रूम टूर होने वाला है, क्योंकि मैंने कोई सजावट नहीं की है, जैसा रूम है मैं आपको वैसा ही दिखाऊंगी। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये है मेरा रूम और ये है मेरी साइड और ये है मेरी रूममेट की साइड। तो एक एक कॉर्नर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्विच बोर्ड है, जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है। आई नो इट इज वेरी सिली टू टेल दिस, बट मुझे सारा रूम दिखाना है और मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगी। तो इस रूम में टोटल 4 स्विच बोर्ड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है और एक वहाँ पे है। तो टोटल 4 स्विच बोर्ड्स हैं और 3 लाइट्स हैं, एक ये है, एक वहाँ है और एक यहाँ पे एक ट्यूबलाइट है और 2 फैंस हैं। ऑब्वियसली कूलर और एसी आपकी अपनी मर्जी है, आप लगा सकते हो। एसी वैसे गर्ल्स हॉस्टल में अलाउड नहीं है, लेकिन बॉयज हॉस्टल में अलाउड है, तो कूलर आप लगा सकते हो। और यहाँ पे ये हमने हुक रखी है जहाँ पे हम अपनी चीज़ें टांगते हैं। और ये मेरा स्टडी टेबल है एंड ये चेयर है। यहाँ पे मैंने एक टॉवल रखा हुआ है ताकि हाथ वगैरह साफ करने के लिए। और ये मेरा यहाँ पे बैग है। ये मेरा स्टडी टेबल है जो कि बहुत ही बेसिक है, विद नो डेकोरेशंस, क्योंकि मुझे सिंपल और बेसिक अच्छा लगता है। और सिंस ये वाइट वॉल है तो इससे मतलब अच्छी वाइब्स रेडिएट होती हैं, थोड़ी सिंपल एंड पॉजिटिव वाइब्स रेडिएट होता है रूम में। तो कुछ ज़्यादा सजाया नहीं है, यही मेरी बुक्स हैं, कुछ मॉड्यूल्स हैं और ये मेरी फाइनल ईयर की कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने अभी 2 ही खरीदी हैं और मुझे अभी और ख़रीदनी है। बहुत महंगी होती है फाइनल ईयर की बुक्स बाय द वे। और ये यहाँ पे जो बैम्बू प्लांट है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और सबसे पहले जब मैं हॉस्टल आती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर घर से हॉस्टल आई हूँ, तो सबसे पहले मैं इसी को फिल करती हूँ पानी, क्योंकि बहुत गर्मी है, मैं नहीं चाहती कि ये सूख जाए, मुझे अच्छा लगता है ये। और ये एक जस्ट पेन स्टैंड है जो कि मैंने मैगी के उससे जो भी होता है वो उस ढक क्या बोलते हैं जो भी है उससे बनाया है। और ये मेरा पाउच है, ये मेरी बॉटल्स है पानी पीने वाली, बॉटल आप यहाँ से भर सकते हो क्योंकि नीचे वाटर टैंक है और अभी पानी ठंडा ही है क्योंकि मैंने ये अभी अभी भरा है। तो ये मेरा स्टडी टेबल है और ये ड्रॉअर है जिसके अंदर कुछ खास नहीं, मैं अपने खाने का ही सामान रखती हूँ फिलहाल, कुछ है नहीं, तो बस ये नैपकिन्स पड़े हुए हैं और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। और ये है मेरा बेड और ये है मेरा फेवरेट बेडशीट। और इसके अंदर भी मतलब ये आप इसके अंदर भी सामान रख सकते हो, फॉर एग्जांपल सर्दियों का, जैसे कि ये जो है ये खुलता है यहाँ से और इसके अंदर आप अपना सामान रख सकते हो। तो स्पेस का तो इस हॉस्टल में कोई इश्यू नहीं है क्योंकि अलमीरा भी बहुत बड़ी है हमारी और बेड के अंदर भी जगह है और टेबल है, मतलब वो ड्रॉअर है और यहाँ पर भी एक ड्रॉअर है। तो ये मेरा बेड है और यहाँ पे है हमारा मिरर, हाय। और फोन का कवर चेंज करने वाला हो गया, प्लीज इग्नोर। तो यहाँ पे ये कुछ मेडल्स हैं जो कि मेरी रूममेट के हैं और मेरे घर पे पड़े हैं जो कि हमने स्पोर्ट्स वीक में जीते थे,
तो ये वो मेडल्स हैं और ये एक छोटा सा नोट है, अ ड्रीमर इज वन हु कैन ओनली फाइंड हिज वे बाय मूनलाइट एंड हिज पनिशमेंट इज दैट ही सीज द डॉन बिफोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड द नाइट सर्कस। ये एक बुक का कोट है जो कि हमने लगाया हुआ है यहाँ पे और काइंड ऑफ मोटिवेशनल है तो लगा दिया है। और ये हमारा है मिरर, ये भी हमने खुद लगवाया है और ब्लर हो रहा है, ये भी हमने खुद लगवाया है। और बाकी यहाँ पे आपको बाकी जो फर्नीचर वगैरह है, टेबल, बेड, चेयर, अलमीरा, ये सब आपको मिलती है हॉस्टल से ही। आप एक्स्ट्रा जो आपने लगवाया है वो हमने बस ये मिरर लगाया है, बाकी सब कुछ हॉस्टल की तरफ से है। और मैं कवर चेंज कर रही हूँ तो मैंने कवर हटा दिया है और अब फिलहाल बेटर लग रहा है। तो अब चलते हैं अलमीरा की तरफ। यहाँ पे हमारी ये अलमीरा है जिसके ऊपर भी जगह है सामान रखने की, तो बिल्कुल भी स्पेस का कोई इश्यू नहीं है। अलमीरा भी मैं आपको दिखाई देती हूँ, वैसे क्या ही होगा मेरे अलमीरा में। तो यहाँ पे मैंने नीचे थोड़े कपड़े रखे हैं, यहाँ पे थोड़ा सामान है, नीचे थोड़े शूज वगैरह हैं और इस ड्रॉअर में भी आप अपना सामान रख सकते हो। तो ये है मेरी अलमीरा, इसको जल्दी जल्दी बंद करो क्योंकि कुछ ज़्यादा खास तो है नहीं इसमें। और ये यहाँ पे हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है, हमारा मिरर भले ही यहाँ पे है पर फोन क्यों मिल रहा है इतना, ओके हमारा मिरर भले ही यहाँ पे है लेकिन हमारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो यहाँ पे है। तो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। ये बॉल है क्योंकि हम स्पोर्ट्स वीक में क्रिकेट श्रिकेट खेलते थे, तो ये वो है। और ये यहाँ पे इसके नीचे ये दो ड्रॉर्स हैं जिसमें हमने अपना, ये मेरा है और ये मेरे रूममेट का है, जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, बस ये जो हमारा रोज का यूज़ होने वाला सामान है वो ही रखा है, फॉर एग्जांपल क्रीम, कॉम एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पे ये रखा हुआ है। और कुछ वॉल्स पे हमने चीज़ें लगाई हैं जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग है जो कि मेरी नहीं है, ये भी मेरे रूममेट ने बनाई है। ये हमारी काइट है जो कि हमने लूटी थी कहीं से। और एक और चीज़ है, भारत का झंडा भी है यहाँ पे, तो ये अच्छी चीज़ है एक बहुत, और थोड़ी मोटिवेशन मिलती है इससे, तो ये हमने यहाँ पे लगाई हुई है। और फिर यहाँ पे ये एक और हुक है, यहाँ पे हमने अम्ब्रेला वगैरह लगाया हुआ है। और ये सारा मेरा, मेरी रूममेट का है ये वाला पोर्शन, ये भी टेबल है, ये उसकी चेयर है, ये बेड है और ये थोड़ा बहुत सामान है हमारा। और ये हमारी बालकनी है, बालकनी में भी कुछ खास तो है नहीं क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, तो बहुत गंदी सी है हमारी बालकनी क्योंकि सीमेंट वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ है, बट स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी बालकनी है, तो ऐसे हर रूम की बालकनी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी बालकनी का जो व्यू है वो कुछ इतना अच्छा तो है नहीं, पर मे भी कुछ लोगों की जो बालकनी हो उनका व्यू शायद अच्छा होता हो, पर इतनी गर्मी होती है कि बालकनी में कोई जाता नहीं है। हाँ कभी जब बारिश वगैरह हो या विंटर्स में तो कभी कभी शाम को ठंडी हवा लेने के लिए बच्चे जाते हैं बालकनी में, और हाँ कपड़े सुखाने वगैरह के लिए बालकनी काम आती है। और कपड़े आप बाहर भी सुखा सकते हो, नीचे बहुत जगह, और हमारे रूफ टॉप पर भी जगह है, वहाँ पर भी सुखा सकते हो। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ है रूम में दिखाने के लिए, सब कुछ हो गया। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ पूरा। एक चीज़ जो मैं भूल गई जो इस कर्टन के पीछे है, जो कि इट इज़ वेरी सिली मे बी, बट ये हमारी विंडो है जो कि कुछ खास तो है नहीं क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि सामने वाली बिल्डिंग में थोड़ा काम चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे व्यू तो कुछ अच्छा नहीं है, तो हम मोस्टली कर्टन्स ऐसे ही रखते हैं, खोलते नहीं हैं। तो ये सब है, ये था मेरा रूम। आई होप आपको अच्छा लगा हो, जैसा भी है, अब आपको अच्छा लगे या ना लगे ऐसे ही है हमारा रूम। और ये हमारी अलमीरा है, ये हमारा बेड है, ये हमारा टेबल है, ये हमारा मिरर है, ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है,
ये हमारी बालकनी है और ये खत्म हमारा रूम। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रूम एंड मैंने सोचा था कि मैं आपको बाकी भी रूम्स दिखाऊंगी, पर अनफॉर्चुनेटली कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बच्चे घर के हुए हैं, किसी का कुछ एग्जाम है या फिर कोई हॉस्टल में नहीं है, तो इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बनाया और मैं इसको अपलोड करूंगी होपफुली। तो ये था मेरा रूम टूर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ढेर सारा प्यार करते रहें और मैं नई वीडियो डालती रहूँगी और आपको एंटरटेन करती रहूँगी होपफुली। तो आप में से काफ़ी लोग मेरे से हॉस्टल का टूर मांग रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक दोज वीडियोज़, प्लीज़ गिव मी सम टाइम एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मास्क पहने और प्रिकॉशंस लें। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।